हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने क्या जा रहे हैं, हम जो करते हैं वही करेंगे। जी हाँ, किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूइंग। लेकिन उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यूइंग करने से पहले हम कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, और वो है इस बारे में कि हम जो आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आते हैं, आप उसे क्यों देखें और क्यों उसे बाय करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट लाते हैं वो तो आप भी कहीं से भी ढूंढ कर अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से या मीशो से कहीं से भी आप ख़रीद तो सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आता हूँ वो न सिर्फ एक स्मार्ट प्रोडक्ट होता है बल्कि एक किफ़ायती प्रोडक्ट भी होता है। यानी जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो प्रोडक्ट मैंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें खास चीज़ देखी होगी जो आमतौर पर लोग देख नहीं पाते हैं, और कोई भी उसी तरह का प्रोडक्ट वो ख़रीद तो लेते हैं लेकिन ऐसा हो जाता है कि एक ही प्रोडक्ट को वो दो बार ख़रीद लेते हैं। कैसे, इसको इस तरीके से मैं समझाना चाहूँगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, मान लीजिए आप हो या ना हो, मान लीजिए कि आप एक यूट्यूबर हैं और आपको एक ट्राईपॉड ख़रीदना है, तो आप क्या करोगे? एक ट्राईपॉड खरीद लोगे। कितनी समझदारी वाली बात है ना, कि हमें ट्राईपॉड खरीदना था, हमने ट्राईपॉड खरीद लिया, हमें किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्राईपॉड तक कोई भी खरीद सकता है, किसी हर जगह मिलता है, हर जगह शॉप पर अवेलेबल है ना। खरीद लिया, अब आपको कुछ समय के बाद आप किसी पार्क में घूमने के लिए गए, और या आप कहीं बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको लगा कि यार इस चीज़ को वीडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, इस चीज़ की सेल्फ़ी ले लेनी चाहिए। ऐसे में आप क्या करोगे? या पार्क में घूम रहे हैं तो सेल्फ़ी तो नॉर्मली है, तो क्या आप वहाँ ट्राईपॉड लेकर जाओगे सेल्फ़ी लेने के लिए? क्योंकि सेल्फ़ी लेना है तो आपको एक लंबा सा डंडा होना चाहिए जिसमें बटन होने चाहिए ताकि दूर से सेल्फ़ी ले सकें और हमारे साथ में जो लोग हैं उनकी भी फ़ोटो आ सके, क्योंकि हाथ से ज़्यादा इतनी दूर कर सकेंगे और उससे अच्छी सेल्फ़ी नहीं आएगी। फिर क्या करोगे आप? एक सेल्फ़ी स्टिक भी ख़रीद लेंगे। अब मैं कहूँ कि अगर मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दूंगा जिसमें सेल्फ़ी स्टिक भी होगी और ट्राईपॉड भी होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं जो भी प्रोडक्ट लाता हूँ मैं हर तरीके से देखने के बाद ही उस प्रोडक्ट को आप तक रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें अगर आपको सेल्फ़ी स्टिक ट्राईपॉड दोनों मिल गया तो सोचिए, एक ट्राईपॉड की कीमत अगर आप मार्केट में पता करें तो कितना भी सस्ता से सस्ता लीजिए 600 से कम का ट्राईपॉड नहीं आता है। 600 रुपये तो आपका ट्राईपॉड में चले गए। फिर सेल्फी स्टिक लेंगे, अगर आपको ब्लूटूथ वाला चाहिए तो भी 400-500 रुपये का आएगा, मतलब सीधे सीधे 1000 रुपये से ऊपर का आपका खर्चा है। लेकिन मैं कहूँ कि सिर्फ 400 में आपको ट्राईपॉड और सेल्फी स्टिक दोनों मिल जाएगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो वीडियोस होते हैं उनको देखा करें, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है आपका। तो चलिए, आज मैं जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा ही है। तो ये जो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है एक सेल्फी स्टिक विथ ट्राईपॉड। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ब्लूटूथ सेल्फी स्टिक, ठीक है। और ये देखिए, इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये ट्राईपॉड का भी काम करता है। लेकिन घबराइए मत, ये छोटा सा ही रहेगा, नहीं ये बड़ा भी हो जाता है कुछ इस तरीके से जब ये खुलता है। मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा, और जब बंद होता है तो कुछ इस तरीके का ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे भी ये फील हो रहा था कि काश ये प्रोडक्ट मुझे मालूम होता पहले, तो मैं ट्राईपॉड अलग से ना लेता, क्योंकि मैंने भी करीब 800 रुपये का एक ट्राईपॉड ख़रीदा हुआ है। ये प्रोडक्ट जो है बाद में आया था, ठीक है। तो मैंने सोचा मेरा नुकसान हो गया, आपका फ़ायदा हो जाए, क्या दिक्कत है। तो ये कुछ इस तरीके से, सॉरी मैंने पहले ही इसको खोल दिया, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये आता है। कितना छोटा सा है ना, कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये खुलता है कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छा लॉकर है इसमें। आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ तक चला जाता है। तो देखा आपने, यहाँ तक चला जाता, वैसे इतना ले जाने की ज़रूरत तो पड़ने वाली है नहीं, ये हम लोग नॉर्मली इतने पे ही रखने वाले हैं या इतने पे रखने वाले हैं, क्योंकि सेल्फ़ी लेना। तो ये इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। आप सोचेंगे कि इसमें मोबाइल कैसे लगेगा, तो देखिए दोस्तों, इसमें मोबाइल लगाने के लिए यहाँ पर ये लॉक है, आप इसको ओपन कीजिए, और उसके बाद जैसे नॉर्मल होता है लगाने के लिए ये देखिए, ये आराम से एक्सटेंड हो रहा है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अब इसको सेल्फी लेने के लिए बहुत कमाल का चीज़ है इसमें, जो उसमें आपको फ़ोटो में नहीं दिख पाया, वो ये है कि जब हम इसे लंबा कर देते हैं, मान लीजिए इसको ओपन कर लिया, काफ़ी कितना ओपन होता है अभी आप देख लीजिए, करीब एक हाथ ओपन हो जा रहा है, इतना काफ़ी है कि नहीं है बताइए, ठीक है।
आप कितना लंबा चाहिए आपको सेल्फी के लिए। तो ये हो गया आपका। अब इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें एक लगा हुआ है बटन जो है ब्लूटूथ। आपने सुना था आप ब्लूटूथ क्या है, ये आपको दिखाओ। ये आपका जो है बाहर निकल जाता है कुछ इस तरीके से। सॉरी थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ, ये देखिए ऊपर का निशान बनाना, इसको ऐसे कीजिए, ये बाहर निकल जाता है, निकल गया। अब इसका क्या काम है, सपोज आपने एक सेल्फी लेनी है, ठीक है, सेल्फी लेनी है तो तब तो ये इसमें भी लगा रहेगा, तो भी कोई बात नहीं है, इसमें लगा रहेगा। आप यहाँ से इसको बटन दबाइए और ये ऑन हो जाएगा, सेल्फीज आपकी कंप्लीट। लेकिन अगर आपको ट्राईपॉड की तरह इसको इस्तेमाल करना है, सपोज आप इसे ट्राईपॉड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, ये इसे ओपन कीजिए, ये ऐसे ओपन हो जाता है, कोई लॉक नहीं लगा होता, आराम से रह। और इसके बाद मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, देखिए अब यहाँ से मुझे फ़ोटो खींचनी है, ठीक है, तो मुझे ऐसे नहीं करना है, इसको यहाँ पर अपने पास रखना है और इसको फ़ोटो खींचने के लिए बस इसको अपने पास लगा के इसको यूँ दबाना है और ये फ़ोटो खींच जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो अभी यहाँ से ओपन कर दीजिए और इसके बाद यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू। तो कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये बताइए। अगर ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो क्या आपको अलग से ट्राईपॉड लेना पड़ेगा या अलग से सेल्फी स्टिक लेना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा, और बहुत कम कीमत में ये 450 के आसपास आ जाएगा। यानी आपका सीधे सीधे मैं आपका दोगुना पैसा बचा रहा हूँ, यानी कि अगर आप ट्राईपॉड और सेल्फी स्टिक अलग अलग लेंगे तो 1100-1200 इस तरीके का पड़ेगा, वो भी लो क्वालिटी का। और ये अच्छी क्वालिटी का मिलेगा आपको, कंपनी का मिलेगा विद गारंटी वारंटी के साथ। तो दोस्तों ये अनबॉक्सिंग रिव्यूइंग आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि क्या आपको मेरे इस चैनल पर कोई खास प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग रिव्यूइंग देखने या आपका कोई खास चीज़ आप खुद खरीदने जा रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उसी प्रोडक्ट को बनाएं, ताकि आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिले। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं सही रेट में मिलेगा आपको, जो भी मैं लिंक दे रहा हूँ अमेज़ोन का है, मीशो का भी है, जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से आप खरीद लेना। और मुझे कमेंट करके बताना ये प्रोडक्ट जब आपके घर पे आ जाए तो आपका ये जो प्रोडक्ट आपको जो मिला है वो कैसा है, आपका उसका जो एक्सपीरियंस है जो आप लेने के बाद जब इस आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो वो कैसा अनुभव रहा, वो भी ज़रूर शेयर करना, ताकि हमारे जो और भी व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मालूम चले कि मैं जो प्रोडक्ट लाता हूँ उसका उसका क्वालिटी कैसा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अनबॉक्सिंग रिव्यूइंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।